देख रहे हैं जनमत आवाज। आरोपियों की तलाश बुरहानपुर जिले के नेपानगर के खकनार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरी बोरबन तालाब के भूमि अधिग्रहण के वितरण राशि में 42 लाख के फर्जीवाड़े के मामले में जांच हेतु प्रशासनिक अधिकारियों की टीम देर तालाई पहुँची। यहाँ डैम में हुए लाखों रुपए के घोटाले के मास्टरमाइंड इम्तियाज खान पिता अख्तर खान के घर पहुंचकर टीम के द्वारा छानबीन की गई। वहीं इस दौरान आरोपी घर से फरार था। आरोपी के घर में उसकी पत्नी मौजूद थी। जांच टीम की महिला अधिकारी पटवारी ने तलाशी ली, लेकिन आरोपी इम्तियाज खान घर नहीं मिला, जिसके चलते उसकी पत्नी से तहसीलदार संजय वाघमारे पूछताछ की। पत्नी से उसकी लोकेशन के बारे में जानना चाहा, पर उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बताया। इसके अलावा जाँच टीम ने इम्तियाज की पत्नी से उसके आलिशान भवन निर्माण के बारे में भी पूछा, साथ ही आय व्यय के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई, जिसमें पता चला कि इम्तियाज खान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी फर्जी तरीके से 3 प्रधानमंत्री भवनों का लाभ लिया है, जिसके बाद दीपक चौहान के निर्देशन में इम्तियाज खान के नव निर्माण भवन की नप्ति करते की गई और उसके बाकी भवनों की भी नप्ति के साथ साथ खेती की भी नप्ति की गई। साथ ही खेत में बने गोदाम एवं शासकीय योजना में बना पशु शेड की भी नप्ति पटवारियों द्वारा की गई। जिन लोगों के खातों में मुआवजा राशि आई उनकी भी जांच की जा रही है। इस दौरान करीब 25 प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थाना प्रभारी के पी ध्रुवे इस कार्यवाही में जुटे हैं। जैसे ही फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद उसमें FIR होगी और उसके बाद सारा प्रकरण जो है वो पुलिस के उसमें हैंडओवर हो जाएगा और फिर आगे जो भी ITC के सेक्शंस के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई प्रस्तावित होगी। सर आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं दीपक चौहान SDM नेपाल।